हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन नजर आ रहा है किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, आगे जाके किस कमोडिटी में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और उस पर रूपा मेहता की क्या रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना कल के मुकाबले आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर कॉमेक्स पर थोड़ा लुढ़क चुका है। कल को 1790 डॉलर के आसपास देखा था, आज देख रहे हैं कि 10 डॉलर नीचे खुलता नजर आ रहा है, 1780 पर ट्रेड कर रहा है, हरे निशान पर है हालांकि। और बात करें सिल्वर की तो सिल्वर 22.8 डॉलर पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये जो नया वायरस आया है, जो नया वेरियंट है कोरोना का ओमिक्रॉन, उसकी वजह से पहले ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था, पहले ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि सोने चांदी की एक बार फिर से सुरक्षित निवेश मांग निकल के सामने आ सकती है, यानी कि एक सेफ हेवन डिमांड फिर से निकल के सामने आ सकती है। लेकिन फिर कल के कारोबारी सत्र में फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल, उन्होंने अपना बयान दिया और ये कहा अपने बयान में कि वो जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और जो सोने चांदी के भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ब्याज दरें सोने चांदी समेत अन्य बॉन्डों में, उनमें भी कुछ बदलाव पर कुछ निर्णय वक्त से पहले लिया जा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि इंटरेस्ट रेट्स में यानी ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी अभी हाल फिलहाल के अंदर, हो अगर होगी भी तो काफ़ी समय के बाद होगी। लेकिन अब ओमिक्रॉन को देखते वो ये फैसला ले रहे हैं कि ये जो हो सकता है जो ब्याज दर है उनमें बढ़ोतरी वक्त से पहले देखने को मिल सकती है। तो इस फैसले से अब सोने चांदी पर कितना दबाव बनता नजर आ सकता है, मंदी में रहेंगे या तेजी में, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि सोना चांदी आज भी हरे निशान पर है, लेकिन कल के मुकाबले आज कुछ हल्की नरमी भी दर्ज की गई है। सोना इंटरनेशनल मार्केट में 10 डॉलर के करीब टूटता नजर आया है, आपको क्या लगता है ये जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो चेयरमैन है उनकी तरफ से बयान निकल के सामने आया है, उसका असर अब सोने चांदी की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए फिलहाल जो है वो जो बयान निकल कर आया है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि इसका मतलब है कि जो है डॉलर जो है वो वीक होता हुआ दिखाई देगा और सोने चांदी की कीमतों को एक सपोर्ट मिल सकता है निचले स्तरों पर। ब्याज दरों के बढ़ाने का मतलब ये होगा कि इकोनॉमी के अंदर अभी जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है कि इसके लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, तो अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है डॉलर पर आ सकता है और गोल्ड के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल देखना होगा कि ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं या फिर किस रेट से बढ़ती हैं और कितनी बढ़ती हैं, इसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में सोना दबाव में रह सकता है जिस तरीके से दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल वहीं सोने और चांदी में अभी भी बाइंग की ही रणनीति लेकर चलना चाहिए। जी ये सर रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में ओपेक की जो बैठक थी दो दिनों की वो आज से शुरू हो गई है, तो ऐसे में ये भी खबरें निकल के सामने आई हैं कि जो ओपेक और उसके सहयोगी देश हैं वो अभी इस बात पे डिसीजन करेंगे, इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि ओमिक्रॉन जो आया है मार्केट में, जो वेरिएंट अब नए नए देशों में अभी देखने को मिल रहा है, उसका असर की वजह से सप्लाई और डिमांड कैसी रहती है, क्या सप्लाई को बढ़ाया जाए या उतना का उतना रहने दिया जाए या फिर घटाया जाए, आपको क्या लगता है? जब तक ओपेक की बैठक में निर्णय निकल के सामने नहीं आता है तो कच्चे तेल का जो बाजार है वो कितना और नीचे जाता नजर आ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 67 डॉलर के लेवल देखने को मिल चुके हैं। देखिए बाजार पहले ही इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, और जिस तरीके से कुछ एक देशों में लॉकडाउन की भी स्थितियां बन चुकी हैं और कुछ आवाजाही पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है, फ्लाइट्स भी कई जगह पर बैन हो चुकी हैं, तो इससे क्या है कि डिमांड जो है वो इम्पैक्ट होती हुई नजर आएगी। और जो सप्लाई बढ़ाने की बात हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी कि सप्लाई डिमांड बहुत ज्यादा निकल रही थी जिसकी वजह से सप्लाई शॉर्ट पड़ रही थी, तो अब कोई जरूरी ये बात जरूरी नहीं है कि अब सप्लाई बढ़ाने पर ही विचार लिया जाएगा। तो अभी आगे देखना होगा कि ओपेक की बैठक में क्या रिजल्ट निकल कर आता है, और इसके चलते अभी तो क्रूड जो है वो दबाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कल की रैली, कल जो हमने फर्स्ट हाफ के अंदर तेजी आते हुए देखी थी, वो कहीं ना कहीं शाम को फिर गायब हुई और वापस से क्रूड 70 डॉलर के नीचे लुढ़कता हुआ 68 डॉलर के नीचे दिखाई दिया, और आज भी क्रूड के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से
प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके चलते मुझे लगता है कि मार्केट अभी दबाव में ही रह सकते हैं और जहां तक कल जो डिसीजन निकल कर आएगा उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी करेक्शन जोन में है और दबाव जो है वो बना रह सकता है। $65 तक एक बार क्रूड नीचे जा सकता है और ऊपर में वही $70 की रेंज देखने को मिल सकती है। अभी जरूर पॉजिटिव शुरुआत है कल के गिरावट के बाद, लेकिन अभी देखना होगा कि आज हो सकता है आपको $68 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तो शॉर्ट टर्म तो रैली आ सकती है लेकिन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। जी, तो यानी कि कच्चे तेल का जो ट्रेंड है अभी वो नेगेटिव ही है देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलरेडी ये मान के चल रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो असर है मार्केट्स पर देखने को मिलेगा, बिजनेस पर देखने को मिलेगा, पटरी से एक बार फिर से फिसलते नजर आ सकते हैं। तो हो सकता है कि जो कच्चे तेल का जो आउटपुट है वो उतना का उतना रहने दिया जाए या फिर घटा भी दिया जाए, अभी ये ओपेक की बैठक पर डिपेंड करेगा। ये सर रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कल की एक गिरावट के बाद आज कुछ रिकवरी देखने को मिली है, आपको क्या लगता है क्या बेस मेटल्स भी कच्चे तेल की तरह लुढ़कता नजर आएंगे या फिर बेस मेटल्स में आज तेजी देखने को मिलती रहेगी? देखिए बेस मेटल में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है रुझान, बेस मेटल में अभी तेजी का ही ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से चाइना से डाटा निकल कर आया है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है और उसके चलते अभी लगता है कि बेस मेटल्स जो है पॉजिटिव जा सकते हैं। निकल 1600 के स्तरों को पार करता हुआ दिखाई दे सकता है और कॉपर भी 760 तक ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में बाउंस बैक आ सकता है। शॉर्ट टर्म रैली में देखिए आपको ऊपर उठापटक जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी बाइंग की लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज में वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? नॉन एग्री कमोडिटीज में देखिए मुझे लगता है कि अभी तो बेस मेटल्स में ही बाय की अगर स्ट्रेटजी लेनी हो तो बेस मेटल्स में बाय करें और सेलिंग में जाना हो तो क्रूड में भी क्वाली करके चला जा सकता है। जी, यानी कि बाय करना है तो बेस मेटल्स और सेलिंग करना है तो क्रूड। तो ये बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और चर्चा होगी यहाँ पे कृषि फसलों के बारे में, कहीं जाइएगा नहीं।